हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे। और आज मैं ब्लॉग लेकर के आई हूँ, बहुत ही डिफरेंट ब्लॉग लेकर के आई हूँ। आज मैं अपने शहर की वीटू की शेयर कराने जा रही हूँ आप सभी को। आप सबको यहाँ की जो वीटू के है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा इस ब्लॉग में कैसे कैसे से। तो वो तो बाहर का व्यू था, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर अंदर आ गए। और ये जो सॉफ्ट सॉफ्ट वाले कपड़े होते हैं ना, मुझे बहुत पसंद आते हैं बच्चों के लिए, जो गंजी वाले कपड़े में आते हैं ये सारे। ज़्यादा जो नेट वगैरह वाली होती है जिसमें फूल मोती जड़ी रहती है, वैसे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो यहाँ पे हम लोग दिव्यांशु के लिए कुछ कपड़े देख रहे थे, और जो साथ में हमारे साथ आए थे कलीग थे, उनकी भी बेटी के लिए कपड़े देख रहे थे हम लोगों ने। और बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा बहुत हम लोगों ने शॉपिंग किया। यहाँ की वीटू में कलेक्शन तो है, बट अभी यहाँ पर छोटा सा है और ये कलेक्शन अच्छे ही रखते हैं। और वीटू का तो मतलब ही वैल्यू एंड वैरायटी, वाकई इसकी वैल्यू और वैरायटी बहुत अच्छी होती है। और आपको यहाँ पे ना सस्ते में अच्छे अच्छे कपड़े भी मिल रहे थे और महंगे कपड़े भी मिल रहे थे। तो ये जो मुझे सॉफ्ट सॉफ्ट वाले कपड़े होते हैं वो मुझे बिल्कुल ही अच्छी लगती है, तो वही सारी बस मैं देख रही थी। हालाँकि मैंने कोई ड्रेस अभी नहीं लिया, क्योंकि दिव्यांशी जैसे ड्रेस लेना चाह रही थी वो उसके साइज़ की नहीं थी, इस वजह से हम लोग नहीं लिए और हमारे साथ में थे। तो ये ना ब्लॉग जो है, ये वीडियो है, वो पुराना ब्लॉग है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। यहाँ पे देखिए दुपट्टा है, और दुपट्टा 150 में काफ़ी सुंदर सुंदर सा दुपट्टा था, मुझे बहुत पसंद आ रही थी। लेकिन अभी मैंने मन नहीं बनाया था तो अभी लिया नहीं मैंने ये सारे कुछ, लेकिन बहुत देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये जो ब्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ ना, तो थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट के लिए मैं ये शेयर कर रही हूँ, क्योंकि डेली लाइफ देख करके और घर में बैठे बैठे हम लोगों ने वो मार्केट, वो मॉल, वो सारे मिस कर रहे थे। तो इसीलिए मैं आप सभी को इस मॉल को दिखाने के लिए, ताकि एक थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट सा आ जाए, इसलिए मैं इस ब्लॉग को शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। यहाँ पे देखिए हैंडबैग की कलेक्शन है, यहाँ पे ढेर सारी हैंडबैग की कलेक्शन थी यहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। बस हाउस होल्ड जो सामान होती है ना वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे वीटू में अधिकतर सिर्फ वेयरिंग की चीज़ें मिलती हैं, जो जैसे कि कपड़े हो गए, जूते, सैंडल, ये सारी चीज़ें रहती हैं, थोड़ा बहुत ये सारे थे। और बहुत ही कम हाउस होल्ड था, और आप सभी को तो पता है कि हम औरतें लड़कियां ज़्यादातर जो हम औरतें हैं ना, वो जब अपने किचन वगैरह संभालने में लग जाती हैं, वो घर गृहस्थी बसाने में लग जाती है, तो इन सबों के चीज़ों पे ध्यान कम जाता है, अपने यूज़ पे ज़्यादा नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ जाता है तो वो किचन होल्ड्स पे, हाउस होल्ड्स पे, ये सारी चीज़ों पे सामानों पे ध्यान जाता है। तो मैं तो वो सारी चीज़ें ढूंढ रही थी, या फिर डेकोरेशन की चीज़ें, बट वहाँ पे उस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत कम रियली चीज़ें रहती हैं, बहुत कम। और यहाँ पे देखिए कुर्ती की कलेक्शन है, ये कुर्ती भी मुझे बहुत पसंद आया था, एकदम हल्का हल्का सा कॉटन का कुर्ती है सब का सब, और बहुत अच्छा लग रहा था। ये सब इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आप बताना, आपको ये वीटू आपके शहर में है तो वो मुझे कमेंट करके बताना कैसी लगी हमारे यहाँ की वीटू, वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा आप सब। और जो मेरे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप मेरी वीडियो को इन्जॉय कीजिएगा। और यहाँ पर अपने अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स पे। और ये ऊपर के सेक्शन में जेंट्स वाले सेक्शन थी, तो यहाँ पे जीन्स वगैरह जितने बॉयज़ की चीज़ें होती है वो था, और नीचे वाले में दो ही सेक्शन है, तो नीचे वाले में क्लॉथ्स थे और बच्चों के कपड़े थे, वो सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे ऊपर वाले में जेंट्स वाले चीज़ें हैं, और थोड़ी बहुत जो एडल्ट वाली होती हैं वो सारी चीज़ें, मतलब बच्चों की, और थोड़ी जो एकदम ही बॉयज़ वाले जो रहते हैं ना बच्चे, उनके थे यहाँ पे, उन लोगों के लिए थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने मैं यहाँ पे ना ज़्यादातर बच्चों के इनर जो होते हैं ना वो मैं लेना पसंद करती हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा होता है, मैंने पहले भी इसका यूज़ किया है तो बहुत अच्छा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पहनने में भी कंफर्टेबल होता है, इसीलिए मैं यहाँ का लेती हूँ। और ये मैं सेकंड टाइम लेने जा रही हूँ, क्योंकि इसकी फीडबैक बहुत अच्छी लगी मुझे, इस वजह से मेरी एक्सपीरियंस है, मैंने इसे अपनी दोनों बच्चों को पहनाया है, इसीलिए मैं यहाँ से ले रही हूँ। और मैं हमेशा ढूंढती रहती थी, मैंने भूल गई थी कि मैं वो पहले कहाँ से ली थी, लेकिन जब यहाँ गई ना तो मुझे सारे याद आ गए। और काफ़ी दिन तक चला था, जब मेरी सेकेंड
सेकेंड या थर्ड एनिवर्सरी थी तभी हम लोगों ने गए थे और उसके बाद आज तक वो चल रहा है। यही वाली गंजी की बात मैं कर रही हूँ। तो मैंने अपनी बेटी के लिए लिया है ये वाले और बेटी के लिए लड़की वाला लिया है। ये लड़का दोनों पहन सकते हैं लेकिन मैंने दोनों के लिए अलग अलग लिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो पहनाने में। बट अफसोस की बात है ना कि ये गंजी छोटा हो गया, एकदम जीरो साइज हो गया है और मेरा बाबू बड़ा हो गया है जिसकी वजह से ये नहीं आया। तो कोई नहीं, मेरे घर में एक छोटा बेबी और आ गया था तो हम लोगों ने उन्हें दे लिया और फिर नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगी तब उसके लिए भी ले लूंगी जो कि उसके साइज की। और यहाँ पे बच्चों की है चीज़ें जैसे उनके सॉफ्ट वाले बेड और कॉम्बो सेट जूती। तो बाबू लेना चाह रहा था अपने सैंडल लेकिन उसकी नाप के नहीं थे तो हम लोगों ने नहीं लिया। यहाँ पे कुछ बैट बॉल क्रिकेट वगैरह के सामान रखे हुए थे और आप सभी को दिख रहा होगा कि यहाँ पे ना दिव्यांशी लोग बहुत इन्जॉय करती है। दिव्यांशी ना जब भी मॉल जाती तो उसे लगता है ना कि सारे चीज़ें उसी के हैं, सब वो ले ले, सारे कुछ ले करके ट्रॉली में भरने लगती है। जितनी कपड़े देखती है ना सब एक साथ उठा करके रख लेती है। इसकी बहुत अच्छा लगता है, उसको बहुत इन्जॉय करती है मॉल में। तो कभी कभी हम लोग ले जाते है। और ये जो पिछले लॉकडाउन लगा था ना उसके बाद की ये है जो बीच में खुला था, तभी थोड़े बहुत मॉल वगैरह खुल गए थे उस वक्त, लेकिन फिर अचानक से ये सेकेंड वेव आने की वजह से फिर लॉकडाउन हो गई है। तो अब मैंने सुना है कि फिर से खुल रहा है, तो फिर अगर ऐसा मौका मिला तो मैं आप लोगों के साथ फिर से शेयर करूँगी। आप सब बताना कि आप सबको इस तरह से शेयर करने वाली यहाँ के जो हमारी शहर के वो चीज़ें दिखाने में आप सबको कैसा लगता है, वो अच्छा लगता है या नहीं, तो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं फिर से ऐसे ब्लॉग लेकर के आ पाऊँ आप लोगों के लिए। इस तरह से यहाँ पे जो भी मॉल है उसकी मैं शेयर कराऊँगी आप लोगों को। अगर आप सबकी कमेंट और रिस्पॉन्स अगर अच्छा है तो मैं फिर से नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ पर लेके आऊँगी, दिखाऊँगी। और यहाँ पर ये मेरे लिए खरीदारा है, मैंने इसे भी पहन लिया है। आप लोगों को वीडियो में देखे होंगे मेरे, जिसमें कि मेरी जो एक पहले की वीडियो है ना रज़ाई कवर वाली, कवर कैसे लगाना है उस वाली वीडियो में मैंने ये वाली पहन रखा है। तो यही सारी चीज़ें थी, आप सभी को अच्छा लगेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसे थे था क्योंकि देखने में इतनी खूबसूरत लग रही थी, लेने का मन कर रहा था। लेकिन एक होता है ना कि मन अगर बनाए हैं तभी ले पाते हैं हम लोग, नहीं तो फिर नहीं ले पाते हैं। दिव्यांशी इधर से उधर कर रही थी, बाबू भी बहुत मस्ती किया है। बाबू तो ट्रॉली को पकड़ करके बस घूमना स्टार्ट कर देते थे और दिव्यांशी और रिहांश दोनों ने बहुत मस्ती किया। यहाँ पे देखिए इन दोनों की मस्तियाँ। ये यहाँ पे दिव्यांशी मतलब दिव्यांशी ये नहीं चाहे कि हम बैठे इस पे, वो बोल दिए कि बाबू को बैठाइए, बाबू को बैठाइए। और यहाँ पे बाबू को बिठा करके पूरा घुमाती है ये। थोड़ा मुझे डर लग रहा था क्योंकि यहाँ पे टाइल्स वाले हैं ना, तो फर्श थोड़ा अगर स्कीड हो जाएगा तो ये गिर जाएगी और फिर कुछ नुकसान करा सकती है। यहाँ पे जितने भी कपड़े स्टैंड है वो सब गिर, ये सब चीज़ों की डर लग रही थी। और ध्यान तो रखना पड़ता है इन सबों को। तो यहीं पे ये लोग देखिए कैसे ये लोग मस्ती कर रहे हैं, पूरे घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और ये आप लोगों को दिव्यांशी के हेयर देख के ही पता चल जाएगा कि ये हमारी वीडियो पुराने वाली वीडियो है। और ये जो ग्राउंड साइड की जो अपोजिट साइड है ना, तो यहाँ पे काउंटर है और यहाँ पे भी बस गेट के पास यहाँ पे देखिए वॉचेज हैं, हैंकी है और भी जो इनर होते हैं बॉयज़ गर्ल्स दोनों उन लोगों की चीज़ें हैं यहाँ पे नीचे वाले सेक्शन में। हम लोग आ गए थे, हम लोगों ने जो भी चीज़ें लेना था हम लोगों ने ले लिया है और यहाँ बिलिंग के लिए आ चुके थे नीचे में। और इधर ना सारे जो पर्स हैंकी बेल्ट वगैरह ये सारे लगे हुए हैं और बहुत ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो कि परफ्यूम है, वो सारी चीज़ें हैं। बस बताए ना, हम यहाँ पे हाउस होल्ड चीज़ें बहुत ही कम है, वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं यहाँ पे, बस केवल वेयरिंग और सारी चीज़ें ही हैं यहाँ पे। तो यही थी हमारी जो आप लोगों की रिफ्रेशमेंट के लिए थोड़ी सी अलग चेंज आप लोगों के लिए मैं ये लेकर के आई हूँ। हालांकि मेरे पास काफ़ी टाइम से मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी लेकिन नहीं कर पा रही थी। आप सभी को पता है कि मैं अभी गांव में हूँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी लाइन की दिक्कत होती है, कभी बैटरी चार्ज नहीं रहता है, या फिर कभी नेट नहीं होता है, तो कभी दिव्यांशी के हाथ में रहता है सब कुछ अवेलेबल होने के बाद तो दिव्यांशी के हाथ में रहता है, वो नहीं देती है, या फिर उसकी क्लास चल रही होती है बच्चों की ऑनलाइन क्लास में तो फ़ोन अभी बहुत ज़्यादा इंगेज हो जाता है। ये सब वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। कोई नहीं, देर पर अच्छे रिफ्रेशमेंट मिल रहा है हम लोगों को। तो अभी हम लोग बाहर निकल गए हैं और यहाँ पे और अगर आप जितने के सामान खरीदते, कुछ ऑफ़र वगैरह था कितने के सामान खरीदने पे तो फिलअप करना, तो वो सारे यहाँ पे फिलअप कर रहे थे यहाँ पे। बस यहीं तक की थी आज की ब्लॉग मेरी, तो आप सब बताना ज़रूर मुझे कमेंट करके। तो फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।